अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर सोमवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। फाउंडेशन के जिला संरक्षक सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, देश की आबादी 145 करोड़ से अधिक हो चुकी है जबकि हमारे संसाधन सीमित है। असंतुलित सामाजिक जनसंख्या भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ा रोड़ा है। बढ़ती आबादी के कारण देश में गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजू शर्मा ने कहा कि हम दो हमारे दो तो सभी के दो हो। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच बढ़ती असंतुलित जनसंख्या देश के ताने बाने के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित हो सकती है। फाउंडेशन के कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जाति धर्म क्षेत्र और भाषा बंधनों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं। कानून अधिसूचित होने के बाद कानून तोड़कर अधिक संतान पैदा करने वाले नागरिकों को मताधिकार से वंचित किया जाए। सरकार से मिलने वाले सभी प्रकार की सहायता अनुदान समाप्त किए जाएं। एक से अधिक पत्नियों से होने वाली संतानों की भी कुल संख्या दो से अधिक होने पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत कार्यवाही हो। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह प्रमुख धर्म प्रसार लेखराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या का सामाजिक संतुलन न केवल भारत की प्रतिभा को अवसर प्रदान करेगा अपितु संपूर्ण विश्व एवं समस्त मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुपत्नी और बहुपतित्व प्रथा पर भी समान नागरिक कानून लागू कर रोक लगानी चाहिए। महिला विंग अध्यक्ष आभा भारद्वाज ने कहा कि संसाधन सीमित है, बढ़ती जनसंख्या ही महंगाई बेरोजगारी और अपराधों की जननी है। और उन्होंने मांग करी है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जनसंख्या का जो उतार चढ़ाव है, एक तरफ तो ज़्यादा है एक तरफ कम है, और लाभ जिनको मिलता है कम वालों को जो लाभ मिलता है, ज़्यादा वालों को भी लाभ मिलता है, तो लाभ की दृष्टि से देखते हुए हमारा ये कहना है कि अगर इसका ये कानून बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और बनने के बाद जिनके दो संतान हैं उनको सारी जो भी योजना है उनका लाभ मिले और नौकरी में भी उनको लाभ मिले। कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, असंतुलित जनसंख्या कभी न कभी देश में देशद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, क्योंकि संसाधन सीमित है और जनसंख्या वृद्धि अगर ऐसी होती रही तो न तो महंगाई कम होगी और संसाधन सीमित होने के कारण छीना झपटी चोरी चकारी के मामले भी सामने आएंगे। इसलिए मांग कर रहे हैं कि जो असंतुलित जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं, और जब ये इसकी अधिसूचना जारी हो जाए इसके बाद ये तय हो जाए कि यदि हम दो हमारे दो तो सभी के दो हों, अगर इसके बावजूद भी अगर किसी के बच्चों की संख्या वृद्धि होती है तो उनको मिलने वाली सरकारी सहायता पर रोक लगे और उन ऐसे व्यक्तियों के प्रमोशन में नौकरी में अवरोध लगे। राज्य के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने विश्वविद्यालय के घूमर पंडाल में पौधारोपण किया। इस पौधारोपण अभियान में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा के साथ विधायक और सिंडिकेट सदस्य कुलदीप धनखड़, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा सहित राजस्थान विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर बैरवा ने कहा कि जहां से मैंने पढ़ाई की थी वही आज पौधारोपण करते हुए मुझे घर महसूस हो रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।